नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मैक्सवेल इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे कि मैक्सवेल इक्वेशंस क्या होती हैं और इन मैक्सवेल इक्वेशंस को हम कैसे ड्राइव करते हैं और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है तो मैक्सवेल इक्वेशंस जो है एक सेट ऑफ इक्वेशंस हैं विच वाज ड्राइव बाय मैक्सवेल टू एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बैक्टर्स and which uh, explain the propagation of the electromagnetic waves. तो एक equations का set जिसको generally हम यदि summarize करें जैसे मैंने पिछले lecture में भी बात की थी तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि del dot e del dot e it is equal to the rho upon epsilon naught basically it is a gauss's law in electrostatics 2nd equation del cross E it is equal to minus Curly B upon Curly T. This is second question it is derived from the Faraday's law of electromagnetic induction then del dot B equal to 0 this is the Gauss's law in magnetism and fourth question that it is del cross B it is equal to म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एपसाइल कर्ली अपॉन कर्ली टी इट इज द मॉडिफाइड एम्पेयर सर्कुटर लॉ जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था तो ये जो चार इक्वेशन चार इक्वेश को हम फिजिक्स में मैक्सवेल्स इक्वेशन जो है हाँ वो कहते हैं ये जो मैक्सवेल इक्वेशन है दीज आर द बेसिक बेसिक पिलर्स ऑफ बेसिक पिलर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है इन चार इक्वेशंस के ऊपर जो, जो है वो बेस्ड है इनको हम मेन इक्वेशंस या मेन पिलर्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के मानते हैं जैसा हम क्लासिकल मैकेनिक्स में हम ये कहते हैं कि जो न्यूटनज लॉ है न्यूटन्स लॉ न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ थर्ड लॉ तो ये तीन लॉ जो है उनको हम बेसिक मानते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में वैसे ही यदि हम थर्मोडाइनमिक्स की बात करें तो थर्मोडाइनेमिक्स में भी थर्मोडाइनमिक्स जीरो लॉ फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ तीन लॉ हैं तो वो जो थर्मोडाइनमिक्स के लॉज हैं थ्री लॉज हैं वो बेसिक माने जाते हैं आ, थर्मोडाइनमिक्स में तो बिल्कुल सेम वैसे ही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वहां पे ये मैक्सवेल इक्वेशन जो है वो बेसिक इक्वेशन जो है वो आ, मानी जाती है और ये जो हैं दिज आर ड्राइव फ्रॉम ड्राइव फ्रॉम बेसिक बेसिक लॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म

एक्सपेरिमेंटली uh, जो है वो बहुत बाद में पंद्रह बीस साल के बाद इस चीज को वेरीफाई किया एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय हर्ट्स हर्ट्स ने जो है इन इक्वेश को वेरीफाई किया एक्सपेरिमेंटली और ये देखा कि जो है, वो इक्वेश exactly जो है वो होल्ड करती है ये इक्वेश जो है दीज आर इन वेरियंट इन वेरियंट अंडर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमने देखा कि जो न्यूटन्स uh, लॉ है क्लासिकल मैकेनिक्स के वो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेशन इक्वेश में वेरी कर जाते हैं मगर ये जो है वो इन रहती है और दीज आर एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड फ्रॉम एलिमेंट्री पार्टिकल्स एलिमेंट्री पार्टिकल से लेकर के एलिमेंट्री पार्टिकल से लेकर के लार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस ताकि ये जो है वो एप्लीकेबल है मतलब इनकी यूनिवर्सल एप्लीकेशन है यूनिवर्सल जो है वो एक्सेप्ट ससेप्टेबिलिटी है आ, इसकी मान्यता है यूनिवर्सल तौर पे हर कहीं जो क्वेश्चन जो है वो अप्लाई होती है इनकी कोई विशेष नंबरिंग नहीं है आ, नो फिक्स्ड सीक्वेंसिंग ऐसा नहीं है कि आप एक क्वेश्चन इसको फर्स्ट कहेंगे दूसरी को सेकंड कहेंगे आप देखेंगे अलग अलग बुक्स में कोई आ, पहले नंबर पर लिखी है कोई दूसरे पे लिखी है तो इसका कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है और दूसरी चीज जब इन इक्वेश को हम लिखते हैं तो एफ नॉट जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है यदि यदि वैक्यूम या फ्री स्पेस है है तो होगा, है, तो नॉट होगा होगा मीडियम और वैसे ही परमिओबिलिटी म्यू नॉट की जगह जो म्यू हो, होगा यदि हम किसी मीडियम की बात करेंगे तो ये बेसिकली जो चार इक्वेशंस हैं ये चार इक्वेशंस को मैक्सवेल इक्वेशंस कहते हैं और इनको हम कैसे ड्राइव करते हैं और इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है उसी पे हम वन बाय वन जो है वो बात करेंगे तो पहले हम मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन से बात करते हैं मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन यदि हम मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो जो मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन हमने लिखी है हम ये लिख रहे हैं कि डेल डॉट

द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई डॉट डी एस थ्रू सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू अपॉन टाइम द चार्ज बाय दिस सरफेस ये गोसेस लॉ है हम जानते हैं कि जो चार्ज क्यू है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इट कैन बी रिटन एज वॉल्यूम इंटरेगल ऑफ रो इन टू डीवी यदि हमारे पास वॉल्यूम चार्ज एंस रो दी हो तो Q जो है उसको ऐसे लिखा जा सकता है ये वैल्यू यदि मैं यहां पुट कर दूं तो ये हो जाएगा हमारे पास सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस इट इज इक्वल टू वन अपॉन एफ साइलेंड और Q की जगह पे आ जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो इन टू डी अब यहां पे यदि हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इस्तेमाल करें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आपने पढ़ी है वो ये कहती है कि द सर्फेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटेरिगल तो यहां इस हिस्से पी डॉट डी एस पे यदि हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाते हैं तो ई डॉट डी एस इट विल बी इक्वल टू दॉल्यूम इंटेरियल ऑफ डेल डॉट ईर डीएस की जगह हो जाएगा डी वी इट इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो अपॉन एफसाल नॉट इनटू डीवी नाउ इक्वेटिंग दिस इक्वेशन ऑन बोथ साइड वी कैन आइट डेल डॉट ई इट इज इक्वल टू रो अपॉन एफसाइले नॉट तो इसको हम मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन जो है हाँ वो कहते हैं और इस एफ्साइले नॉट को इस तरह मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा डेल एफ नॉट इन टू ई इट इज इक्वल टू रो एफ नॉट ई जो है इसको डी लिखते हैं तो यहां से होगा डेल डॉट डी इट इज इक्वल टू रो तो ऐसे भी लिखा जा सकता है कुछ बुक्स में डेल डॉट इज इक्वल टू रो अपन अब लिखा हुआ कहीं पे डेल डॉट डी इक्वल टू रो लिखा हुआ तो इसको हम जो है वो मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं अब ये जो मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन हमने ड्राइव की है इस का क्या मतलब होता है फिजिकल सिग्निफिकेंस फिजिकल मीनिंग क्या है इस चीज का जो ये इक्वेशन ड्राइव की है वाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट पहली चीज ये जो इक्वेशन है इट रिलेट्स द स्पेशियल वेरिएशन आप हैं डेल डॉट ई मतलब स्पेस के साथ जो वेरिएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की उसको ये चार्ज डेंसिटी के साथ रिलेट करता है तो पहली चीज तो ये आ गई कि रिलेट्स स्पेशियल स्पेशल वेरिएशन ऑफ ई स्पेशल वेरिएशन ऑफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डेंसिटी तो स्पेस के साथ डिस्टेंस के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन है उसको डेंसिटी के साथ जो है हाँ, वो क्रिएट करता है दूसरी ये जो इक्वेशन है इट इज टाइम इंडिपेंडेंट टाइम के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं करती है इट इज टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन आप देख रहे हैं कि इस तरफ डेल डॉट ई है तो डेल डॉट ई का मतलब हुआ कि एक्स वाई जेड के ऊपर डिपेंड करती है टाइम के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं करती है दूसरी चीज हम ये कह सकते हैं कि ई डॉट डी एस क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका मतलब हुआ कि ये हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स that depends upon depends on rho that is the charge density electric flux jo hai wo charge density ke upar depend karti hai aur basically ye summarize karti hai it summarizes uh, gauss's law in electrostatics ye gauss's uh, law uh, जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का उसको समराइज करती है तो ये इसका जो है वो फिजिकल uh, सिग्निफिकेंस जो है हम कह सकते हैं तो बेसिकली ये जो इक्वेशन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पेस वेरिएशन को डेंसिटी के साथ जो है वो कोरिलेट करती है रिप्रेजेंट करती है ये इसका फिजिकल है। अब हम दूसरी क्वेश्चन पे आते हैं मैक्सवेल्स सेकंड क्वेश्चन जो मैक्सवेल सेकंड क्वेश्चन है मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन जो हमने पीछे लिखा था इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि डेल क्रॉस ई इट इज इक्वल टू माइनस करली बी अपॉन कर्ली टी इसको मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन जो है वो बोलते हैं इसको हम फेरडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ड्राइव करते हैं फेरडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो फेरडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपने पढ़ा हुआ है वो ये कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इट इज इक्वल टू माइनस डी फाइव अपॉन डी टी ज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंड ई एम एफ होता है तो इसको हम ऐसे लेख सकते हैं e, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इट कैन बी रिटर्न एज सर्फेस इंटेरिगल ऑफ बी डॉट डी एस और यहां पर जो इंड्यूज ई एम एफ है इट कैन बी रिलेटेड एज द लाइन इंटेरिगल ऑफ डॉट डीएल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन इंटरगल होता है इट इज इक्वल टू पोटेंशियल और इंड्यूस डी जगह हमने डॉट डीएल लिख दिया माइनस डी वाई डी टी ऑफ सरफेस इंटरिगल इट इज बी डॉट डी एस अब यहां पे यदि हम स्टॉक्स थ्योरम को यूज करें यूजिंग स्टॉक्स थ्योरम यूजिंग स्टॉक्स थ्योरम स्टोक्स so, ये कहती है कि द लाइन इंटेरिगल ऑफ वेक्टर फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू द सरफेस इंटेगल ऑफ कर्ल ऑफ दैट दील्ड ई डॉट डीएल के ऊपर ये यूज करें तो ये हो जाएगा सरफेस इंटेगल ऑफ कर्ल डेल क्रॉस ई और डीएल की जगह हो जाएगा डीएस इट इज इक्वल टू सरफेस इंटेरिगल ऑफ इसको हम माइनस और डी बाई डी टी को अंदर लेके जाएंगे करली बी बाय करली टी इंटू डी एस अब इन दोनों साइड को यदि हम कंपेयर करें तो हमारे पास इक्वेशन है ये आ जाएगी डेल क्रॉस ई इट इज इक्वल टू माइनस करली बी अपॉन करली टी तो ये सेकेंड क्वेश्चन ड्राइव होगी इसको हम जो है मैक्सवेल्स सेकेंड क्वेश्चन कहते हैं अब ये जो सेकेंड क्वेश्चन है इसका फिजिकली क्या मीनिंग हुआ दैट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस यदि हम फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें इस इक्वेशन की तो ये हमें बताती है डेल क्रॉस ई डेल क्रॉस का ई का मतलब हुआ स्पेशल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिलेटेड विद द टाइम वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो पहली बात कि रिलेट करती है स्पेशल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ टाइम वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसका मतलब स्पेस में यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन होती है तो दैट विल जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड और टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड की वेरिएशन होती है तो दैट विल जनरेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो इक्वेशन है इट इज टाइम डिपेंडेंट दिस इज टाइम डिपेंडेंट क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहां पे कर्ली बी बाय करली टी है तो टाइम के ऊपर डिपेंड करती है और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि टाइम वेरिएशन टाइम वेरिएशन ऑफ बी मैग्नेटिक फील्ड की जो टाइम वेरिएशन है इट जनरेट टाइम वेरिएशन ऑफ बी जनरेट ई टाइम के साथ जो वेरिएशन है मैग्नेटिक फील्ड की वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करती है और ये बेसिकली जो है इट समाइज इट समराइजेज फेरडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो फेरडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसको ये बताती है सिग्निफाई करती है समराइज करती है तो ये इसका जो है वो फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया नाउ विल डिस्कस इक्वेशन थर्ड मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन जो मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन है मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन जैसा हमने लिखा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं डेल डॉट बी क्वल टू जीरो मैंने पहले कह दिया कि इनका कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है किसी को भी आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो है हाँ वो लिख सकते हैं या कर सकते हैं ये जो क्वेश्चन है इट इज ड्राइव फ्रॉम द गोस लॉ इन मैग्नेटिज्म गॉसिस लॉ इन मैग्नेटिज्म जो मैग्नेटिज्म में लॉ है वहां से इसको हम ड्राइव कर सकते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सरफेस इंटेरिगल ऑफ बी डॉट डी एस इट इज इक्वल टू जीरो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म बोलता है कि सरफेस इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड का जीरो होता है यहां पे यदि हम गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम इस्तेमाल करें गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम तो सरफेस इंटीग्रल जो है इट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट बी इनटू डीवी इक्वल टू जीरो और सिंपली वी कैन राइट इट एज डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो तो ये गॉसेस सॉरी मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन जो है वो हमने ड्राइव कर दी ये जो मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन है इसका यदि हम फिजिकल फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है तो यहां पे ये जो इक्वेशन है इट डील्स विद द स्पेशियल स्पेशियल वेरिएशन ऑफ बी ये मैग्नेटिक फील्ड का स्पेशियल वेरिएशन पेस के साथ वेरिएशन को रिप्रेजेंट करती है दूसरी बात इट इज टाइम इंडिपेंडेंट इट इज टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन टाइम के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं करती है उसके बाद ये इक्वेशन हमें बताती है कि देर इज नो सिंक और सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कि मैग्नेटिक फील्ड का कोई सोर्स या सिंक नहीं होता है या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आइसोलेटेड आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल डग्जिस्ट आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता जहां कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड होती है जैसे मान लो हम ये बार मैग्नेट ले, ले तो ये नॉर्थ और ये साउथ तो बार मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगी वो ऐसे होंगी और इसके बीच में से ऐसे ऐसे क्रॉस करेंगी इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ क्लोज लूप क्लोज लूप की फॉर्म में होगी और ये क्लोज लूप की फॉर्म में होने की वजह से इसके बीच में से क्रॉस करेंगी तो हम ये नहीं कह सकते कि मोनोपोल अकेला नॉर्थ या साउथ जो है वो एग्जिस्ट करे तो ये नहीं करता है और ये गोसिस लॉ इन मैग्नेटिज्म गोस लॉ इन मैग्नेटिज्म उसको जो है ये समराइज करती है उसके बारे में जो है हाँ वो बताती नाउ कम टू द मैक्सवेल्स फोर्थ क्वेश्चन जो मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन है आ, यहां पे उसको मैक्सवेल मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन। जो मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन है बेसिकली इसको हम ऐसे लिखते हैं डेल क्रॉस बी इट इज इक्वल टू म्यू जे करंट डेंसिटी होती है म्यू नॉट एपसाइले नॉट करली ई अपॉन करली टी इसको हम मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन कहते हैं ये जो मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन इट इज ड्राइव फ्रॉम एम्पेयर सर्कुटर लॉ जो एम्पेयर सर्कुटर लॉ है वहां से हम इसको ड्राइव करते हैं एम्पेयर सर्कुटर लॉ ये कहता है कि द लाइन इंटेरिकल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डी इट इज इक्वल टू मी नॉट इन आई मगर ये जो लॉ है इस को यदि हम यहां पे थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखें जो आई है करंट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी डॉट डी एल इट इज और जो करंट है इट कैन बी रिटर्न सरफेस इंटरगल ऑफ जे डॉट डी ए डी ए जो है इट इज द एरिया वेक्टर करंट को ऐसे लिखा जा सकता है और यहां पे यदि हम स्टॉक्स थ्योरम यूज करें यूजिंग द स्टॉक्स थ्योरम तो ये बी डॉट डी जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ डेल क्रॉस B बी इंटू डी एस इट इज एक डॉट डी ए तो यहां भी डी ए लिख लें एरिया के लिए इसको यदि हम कंपेयर करें तो यहां से हमारे पास आता है डेल क्रॉस B इट इज एकवल टू म्यू नॉट इंटू जे तो ये जो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पेयर सर्कुटर लॉ है इस लॉ को मैक्सवेल ने बाद में मॉडिफाइड किया और मॉडिफाई करके एक डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट जो है हाँ वो इंट्रोड्यूस किया जो मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि ये इक्वेशन जो है वहां पे वैलिड नहीं है जहां पे करंट डेंसिटी जो है वो वेरी करती है या जहां पे जो है हाँ वो करंट uh, नहीं होता है वहां पर इक्वेशन जो है वैलिड नहीं है तो मैक्सवेल ने इसमें मोडिफिकेशन की डेल क्रॉस बी इट इज इक्वल टू म्यू और इस जे के साथ एक और टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस कर दी जिसको करली डी अपॉन कर्ली टी कहा डी जो है इट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट तो बेसिकली ये इक्वेशन है जिसको हम मैक्सवेल इक्वेशन जो है फोर्थ इक्वेशन के नाम से जानते हैं और इन मैक्सवेल चारों इक्वेशन में सिर्फ ये कर्ली डी बा यही मैक्सवेल का जो है वो एक बेसिक एक्सप्रेशन है जो उसने इंट्रोड्यूस किया है बाकी की क्वेश्चन जो है हाँ वो सेम एज इट इज है जैसे पहले ड्राइव की थी और हम ये भी जानते हैं कि जो बी होता है इट इज इक्वल टू म्यू नॉट इन टू एच बी इज द मैग्नेटिक इंडक्शन एंड एच इट इज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड तो यहां बी की जगह यदि हम म्यू एच जो है हाँ वो पुट कर दें तो ये वाला रिलेशन जो है वो मॉडिफाइड हो जाएगा साथ में डी डिस्प्लेसमेंट करेंट जो है इट इज नॉट इन ई के बराबर होता है तो जब हम ये यहां पे पुट करेंगे तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल क्रॉस एच इट इज इक्वल टू जे प्लस डी अपॉन टी तो कई बुक्स में आपको इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा और कई बुक्स में जो है ये दूसरे वाला एक्सप्रेशन मिलेगा ये वाला तो ये दोनों ही जो है वो मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन के नाम से जानी जाती हैं, basically it is modified law. है तो हम यहां देखेंगे कि ये रिलेट करता है जो है, है, को करता विथ डेंसिटी जे एंड डी दैट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट मैग्नेटिक फील्ड को डिस्प्लेसमेंट करंट और करंट डेंसिटी के साथ रिलेट करती है इक्वेशन दूसरी बात ये इक्वेशन जो है इट इज टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन टाइम के ऊपर जो डिपेंडेंस शो करती है जैसे आप देख लें करली डी बाय करली टी तीसरी चीज की टाइम वेरिएशन ऑफ डी इसका मतलब टाइम के साथ जो वेरिएशन है टाइम वेरिएशन ऑफ डी कह लो या इलेक्ट्रिक फील्ड ई कह लो इट रिलेट्स विद द इट जनरेट्स द स्टीडी करेंट स्टडी करेंट दैट इज द कॉन्स्टेंट करेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड और ये इक्वेशन जो है बेसिकली इट समराइजेस इट समराइजेस समराइज लॉ या एम्पेयर मॉडिफाइड एम्पेयर लॉ जो है उसको ये समराइज करती है तो आज के लेक्चर में मैंने मैक्सवेल इक्वेश क्या होती हैं उन इक्वेश को कैसे ड्राइव करते हैं और उनका फिजिकली क्या मतलब है ये आपके साथ डिस्कस किया ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये समझ आया होगा यदि ये, ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इसको लाइक करें शेयर करें और मेरा चैनल जो कि डॉक्टर एच अच, एच पाल के नाम से है उसको सब्सक्राइब करें थैंक